उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का मतदान संपन्न हो गया। बीजेपी ने इस चुनाव में जहां सभी 17 सीटें जीतकर 2024 से पहले अपनी ठोस तैयारियों के संकेत दिए हैं, वहीं दूसरी ओर बसपा ने 17 मेयर सीटों में से 11 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का दांव खेलने के बावजूद भी एक भी नगर निगम की सीट नहीं जीत पाई। 2024 से पहले ये दलित मुस्लिम गठजोड़ का प्रयोग किया था, लेकिन वह सफल नहीं हुई। इसका उल्टा असर ये हुआ कि पिछले चुनाव जीती गई मेरठ वारीगढ़ सीट भी गवा बैठी। बसपा की मुखिया मायावती ने निकाय चुनाव में सवर्णों से दूरी बनाकर जो नया फार्मूला लागू किया था वह सफल नहीं हुआ। मायावती 2007 में सवर्णों के सहयोग से ही सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार मायावती ने उनको अपनी रणनीति से दूर ही रखा। यूपी की 17 सीटों में 11 मुस्लिम, 2 दलित और 4 ओबीसी उम्मीदवार उतार कर बसपा ने नया गेम खेला था, लेकिन निकाय चुनाव में जनता ने बसपा की इस रणनीति को पूरी तरह से नकार दिया। यूपी निकाय चुनाव के नतीजों पर बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया और पूर्व सीएम मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट्स में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने यूपी नगर निकाय चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही साथ इनकी ओर से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि साथ ही तमाम विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी पर भरोसा करके पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करने के लिए लोगों को तहे दिल से आभार व शुक्रिया। अगर यह चुनाव भी फ्री एंड फेयर होता तो नतीजे की तस्वीर कुछ और होती। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बीएसपी मेयर चुनाव भी जरूर जीतती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, वैसे चाहे भाजपा हो या सपा, दोनों ही पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने में कम नहीं है। इस कारण सत्ताधारी पार्टी ही अधिकतर ऐसे चुनाव जीतने में सफल हो जाती है, और इस बार भी यही हुआ है। यूपी में मेयर के सभी 13 सीटों पर भाजपा की जीत दर्ज करने में सफल रही सपा, बसपा व कांग्रेस पूरी तरह से खाली हाथ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, 4 PM, लखनऊ।